हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट इज इकोनॉमी इज वाइडली यूज कंसेप्ट इज इन इकोनॉमिक्स। इट रेफर टू द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इन एन एरिया विच मे बी ए विलेज, ए सिटी, ए डिस्ट्रिक्ट, ए स्टेट और ए कंट्री एज ए होल। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इंक्लूड प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। वेन वी टॉक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वी आर रेफरिंग टू द नेचर एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज इन इंडिया। At the time of independence, agriculture was the principal production activity in our country. Accordingly, Indian economy was labeled as agriculture economy. जब आज़ाद हुए थे तो एग्रीकल्चर का सेक्टर बहुत ज़्यादा पार्ट था अपने इंडियन इकनॉमी में, तब इस वजह से हमें इन एग्रीकल्चर इकनॉमी का टैग मिला हुआ है, लेबल मिला हुआ है। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर ग्रेडुअली शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री सेक्टर। Accordingly, Indian economy may now be called as emerging industrial economy. Economy is a system spread over a particular area that reveals the nature and level of economics activities in that area. It show how people of the concerned area earn their living. Okay, so economics problem hai. First economic problem is limited resources. Second is unlimited wants. Third is alternative uses of resources. And fourth is problem of choice. First, limited resources. जो हमारे नेचर के द्वारा रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए गए वो लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए। बट की जब ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो उनकी ह्यूमन बिहेवियर में देखें तो जो उनकी जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। देन अल्टरनेटिव यूजेज रिसोर्सेज, तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्स है उनका अल्टरनेटिव यूज किया जाए रिसोर्सेज का, तब उनको सेटिस्फाइसेक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम चॉइस। ये चार इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम थी। तो नाउ बिकॉज रिसोर्स आर स्केयर वेरी इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी फेसेज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेज, ब्रीफली कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन। इट हैज़ थ्री वेरियंट्स एज दीज। जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या अल्टरनेटिव यूजेज रिसोर्सेज कह सकते हैं, इसको कहेंगे हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहेंगे। इनकी बात करते हैं, देखो वॉट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। दीज आर प्रॉपरली नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इन वॉट फॉलोज वी अटेम्प्ट ए ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट दीज प्रॉब्लम वॉट टू प्रोड्यूस। दीज प्रॉब्लम हैज़ टू डायमेंशंस, वॉट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन वॉट क्वान्टिटी गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस। वॉट टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस मीन्स क्या उत्पादन करना और कितना उत्पादन करें। एंड हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव का उपयोग टेक्निक का उपयोग किया जाए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का उपयोग करके प्रोड्यूशन किया जाए। नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, गरीब लोगों के लिए प्रोडक्शन किया जाए या रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन किया जाए। ये थी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें दो प्रॉब्लम्स और बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि हम हमारे एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट आप लोगों ने देखा ओजोन जो लेयर है वो रोज़ कम होती जा रही है, रोज उसमें छिन होल होता जा रहा है, कम होती जा रही है, तो उसका डेवलपमेंट भी तो करना चाहिए भाई। हम कार्बन प्रोडक्शन कर रहे हैं, कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें ग्रीन प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा। हमें इन्वायरमेंट को सेफ बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे इस तरीके से, तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
जो रिसोर्सेज है उनका कम, या तो कम यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए ना बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हमारी जो लिमिटेड अनलिमिटेड बॉन्ड्स है और लिमिटेड रिसोर्स के थ्रू उनके अल्टरनेटिव यूजेस करके उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, सफिशियंट होना चाहिए, एफिशियंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। तो अब बात करते हैं आगे व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इसमें दो चीज़ें हैं, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस एंड सेकेंड इज इन व्हाट क्वान्टिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर बी प्रोड्यूस। ओइंग टू द फैक्ट दैट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एवरी सोसाइटी मस्ट फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। गिवन द रिसोर्स ए ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स मस्ट इम्प्लाई लोअर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय। तो नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस रेफर टू द व्हाट टू प्रोड्यूस में बात करें कि एक्स वस्तु का उत्पादन करना है कि वाई का वस्तु का उत्पादन करना है, वो डिपेंड करेगा अपने सोसाइटी पर, अपने पास रिसोर्सेज के ऊपर। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस रेफर टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इमर्ज बिकॉज देयर आर मोर देन वन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। प्रॉडली देर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इम्पल्स ग्रेटर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल, वाइल कैपिटल इंटेंसिव इम्पल्स ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल मशीन्स एट्सेट्रा। देन लेबर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट्स एफिशियंसी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑन द ओवर हैंड इज लेस एक्सपेंसिव, पर्टिकुलर इन कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर लेबर इज एविडेंट इन रिलेशन ऑफ टू कैपिटल। द चॉइस बिटवीन द लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बिकम ए प्रॉब्लम बिकॉज द प्रोड्यूसर नीड टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट एंड एट द सेम टाइम मैक्सिमाइज देयर एफिशेंसी। बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें कहा गया है कि दो चीज़ें हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। जो देशों में जो चीज़ ज़्यादा होगी उसका ही तो उसका यूज करके ही तो प्रोडक्शन किया जाएगा। जैसे कि इंडिया की बात करें तो हमारे पास लेबर बहुत सारी है, तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन को इस तरीके से करेंगे कि हमें जो चीप उसकी कॉस्ट बढ़े, चीपेस्ट कॉस्ट रहे। और अब बात करें नेक्स्ट कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं अमेरिका की, जिसके पास मशीनरी पैसा ये सब ऑलरेडी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी वगैरह सब है, तो वो मशीनरी का यूज करके प्रोडक्शन ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। और क्योंकि उसको वो चीपेस्ट, उसमें जो प्रोडक्शन करेगा वो चीपेस्ट सोर्स होगा उसके लिए। तो कैपिटल इंटेंसिव चीज़ है एक, एक लेबर इंटेंसिव चीज़ है। ओके नाउ नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, हु गेट्स हाउ मच, इट हैज़ टू आस्पेक्ट्स, फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिलेटेड्स टू इनकम शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेजेज ऑफ फॉर लेबर, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड रेंट फॉर लैंड। इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू इनकम शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इन द सोसाइटी। दो चीज़ें हैं, फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है लेबर के, प्रोडक्शन के, लेबर, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये चीज़ें ना। तो लेबर को हम वेजेस प्रोवाइड करवाएंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, रेंट और लैंड पे हम रेंट प्रोवाइड करवाएंगे। इन सब का चीज़ें देख के ही प्रोडक्शन, बाद में प्रोडक्शन करेंगे कि हमारे पास कैपिटल, ये चीज़ लेबर ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है कि लैंड ज़्यादा है। नेक्स्ट ऐसे फिर पर्सनल इंडिविजुअल लोगों की इनकम के बेसिस पे देखा जाएगा कि इसकी इनकम गरीब लोगों के लिए किया जाए या फिर अमीर लोगों के लिए किया जाए, ये चीज़ें होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस में। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स। फर्स्ट आती है, बात करते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी, ये एक ही इकोनॉमी के नाम है। कैपिटलिस्टिक को मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं और फ्री इकोनॉमी बोलते हैं। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखिए, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड मेनली रन बाई कैपिटलिस्टिक। जो ये इकोनॉमी होगी मेनली कैपिटलिस्टिक के द्वारा रन की जाएगी।
इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें जो प्रोड्यूस करेंगे वो उच्च, इसमें प्रोड्यूस करेंगे द प्रोड्यूसर विल बी प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर मोर इन डिमांड एंड लेस इन सप्लाई, सच गुड्स ऑफर हाई प्राइस एंड हाई प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। ऐसे प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होगा जिनकी प्राइस ज़्यादा होगी, क्योंकि इनको इन जो इसमें कैपिटलिस्टिक का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेन ऑब्जेक्ट तो प्राइस ज़्यादा होगी, तो जिसकी डिमांड और सप्लाई, जिसकी डिमांड ज़्यादा है साथ में सप्लाई ज़्यादा है, और जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें प्रोडक्शन जो किया जाएगा वो चीपेस्ट, सबसे चीपेस्ट सोर्स का उपयोग करके प्रोडक्शन किया जाएगा, ताकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम आए, मिनिमाइज आए, एकदम मिनिमम आए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये रिचर सेक्शन के लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे। देन इसमें नेक्स्ट, इसमें जो कैपिटलिस्टिक है या फ्री मार्केट इकोनॉमी है, इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन होता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, और इनका मेन इंस्ट्रूमेंट होता है प्राइस। इसके कुछ ड्रॉबैक है, देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, इसके एक ड्रॉबैक है अनइक्वल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का अनडिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये ठीक है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोशलिस्टिक और कमांड और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का मेनली रन बाय गवर्नमेंट और मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। उसकी बात करें तो व्हाट टू प्रोड्यूस, ऐसे चीज़ों का प्रोडक्शन होगा जिनकी प्राइस लो होगी। लो प्राइस होगी तो ये सोशल वेलफेयर वाला जो उनका ऑब्जेक्टिव होगा वो फुलफिल होगा, क्योंकि गरीब लोगों के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा इसमें। हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया जाएगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, पुअर सेक्शन, पुअर लेवल, लोअर इनकम सेक्शन के लिए ये इसमें प्रोडक्शन किया जाएगा, प्राइस कम रखी जाएगी, और हाउ टू और लेबर इंटेंसिव चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स और देखें तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्राइस डिटर्मिनेशन होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा डिटर्मिनेशन होता है इस इकोनॉमी में। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कलेक्टिव ओनरशिप राइट होते हैं, नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, चॉइस फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होती है इसमें, ओके okay? और एम्प्लॉयमेंट की गारंटी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बात हो गई है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी की। अब बात करते हैं हम मिक्स इकोनॉमी की। मिक्स इकोनॉमी मीन्स ऐसी इकोनॉमी जिसमें फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के दोनों के करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, उसे मिक्स इकोनॉमी कहेंगे। जैसे कि बात करेंगे हम इंडिया की, इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी का पार्ट है जिसमें कैपिटलिस्टिक भी होते हैं, गवर्नमेंट, दोनों चीज़ें होती है, ओके okay, तो आज हमने डिस्कस किए सेंट्रल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या थी, इनके ऊपर डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।